ने अपने दौर के एडीएम एक ही चैम्बर में एक साथ जिले के 3 अधिकारी। धौलपुर से प्रमुख खबर। समय का चक्र अनवरत रूप से जारी रहता है। इस दुनिया में कई बार बड़े संयोग देखने को मिलते हैं कि अलग अलग समय पर कार्य करने वाले व्यक्ति कभी एक ही मोड़ पर आकर मिल जाते हैं। कोई जगह खास बन जाती है जब अपनापन का भाव और लगाव हो। ऐसा ही वाकया धौलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों, जिनमें जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, एडीएम नरेंद्र कुमार वर्मा एक साथ एडीएम चैम्बर में थे तो पुराने पल और याद ताजा हो गई। तीनों एक साथ खड़े होकर पुरानी स्मृतियों में खो गए। ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं जब एक ही जिले में एक ही पद पर अलग अलग समय में कार्य करने वाले व्यक्ति एक साथ मौजूद हों। लेकिन ऐसा वाकया तब देखने को मिला जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह के दौरान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, सीईओ जिला परिषद चेतन चौहान एक साथ खड़े हुए थे तब पुरानी यादें ताजा हो गईं। अपने अपने अनुभव शेयर किए और कहा कि यह चैम्बर हमेशा प्रेरणा देगा। जब भी अपना फोटो देखेंगे तब यह चैम्बर मधुर स्मृतियों और सुनहरी यादों का गवाह बनेगा। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि वह स्वयं अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के पद पर 15 मार्च 1999 से 7 अगस्त 2001 तक पदस्थापित रहे। इसी प्रकार वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान भी 5 मार्च 2019 से 5 अगस्त 2019 तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद पर रहे। एडीएम नरेंद्र कुमार वर्मा 10 अक्टूबर 2019 से 29 अक्टूबर 2021 तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर के जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के पद पर रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने एडीएम नरेंद्र कुमार वर्मा को विदाई दी और शुभकामनाएं भी प्रेषित की। रहरई गांव के पास एनएच 11B की पुलिया बंद होने से घरों में घुस रहा है पानी। आंगई सरमथरा से प्रमुख खबर। उपखंड में 2 दिनों से अत्यधिक बारिश होने के कारण घरों के अंदर पानी भर रहा है। गांव रहरई निवासी भरोसी मीणा, वीर सिंह मीणा, भवरलाल मीणा, ईश्वरलाल मीणा आदि लोगों ने बताया कि जब भी बरसात होती है हमारे घरों में पानी भर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11B की पुलिया बंद पड़ी हुई है। रहरई गाँव के ही दबंग लोगों द्वारा पुलिया को बंद कर दिया गया है जिससे हमारे घरों के अंदर पानी भर जाता है। भरोसी मीणा ने बताया कि हमने 11B के अधिकारियों को गांव के अंदर पानी भरे होने की जानकारी दे दी है और ग्राम पंचायत सरपंच किशन सिंह मीणा को भी अवगत करा दिया है। मौके पर पहुंचे सरपंच किशन सिंह मीणा ने बताया कि जब एनएच 11B की सड़क बनाई गई थी तब पुलिया का निर्माण कराया गया था। पुलिया के साथ साथ नाला नहीं बनाया गया। अगर नाला बना होता तो यह समस्या नहीं होती। गांव के कुछ लोगों ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से घरों के अंदर भरे पानी को निकलवाने की मांग की है तथा पुलिया के लिए नाला निर्माण कराने की मांग की है जिससे घरों के अंदर बारिश का पानी ना भरा हो। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। क्या समस्या है? समस्या ये है कि NHAI बनाए उस समय इन्होंने पुलिया को बंद कर दिया है। पुलिया की सफाई नहीं की है तो यहाँ बरसात का जो पानी भर जाता है। अभी मौसम विभाग ने वार्निंग दी है 3-4 दिन की, पूरी राजस्थान में भारी बरसात की चेतावनी है। यदि इस तरह से बरसात ज़्यादा हो गई तो 5-7 मकान रहरईपुरा जो बसे हुए हैं इनको विशेष ज़्यादा खतरा है, मकान भी ढह सकते हैं। NHAI की टीम को सूचित करके उसको बुला लिया है। अब कार्रवाई वो करेंगे। NHAI पंचायत के सीमा से बाहर है। NHAI का मामला है, इसमें NHAI वो इसकी सफाई करे, वो यहाँ से पानी को निकाले। 3 साल से फरार स्थाई वारंटी को किया गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार तथा जिला के आला अधिकारियों के नेतृत्व में थाना प्रभारी कंचनपुर देवेंद्र कुमार शर्मा पुलिस पार्टी के साथ लगातार अपराधियों की धरपकड़ में लगे हुए हैं, जिसके चलते धौलपुर जिले के सभी थानों में कंचनपुर थाना प्रथम स्थान पर है। आज लगभग 3 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी सुरेंद्र पुत्र मंदो उर्फ मदन लाल ब्राह्मण निवासी गुर्जरपुरा थाना कंचनपुर को मुखबिर की सूचना पर गुर्जरपुरा मोड़ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जो मीणा खुद को हिंदू नहीं मानता उसका आरक्षण खत्म करो। किरोड़ीलाल मीणा जयपुर से प्रमुख खबर। आवागढ़ पहाड़ी पर भगवा ध्वज की अपमान करने के मामले से चिंतित भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने अपने समर्थकों के साथ गत दिवस मुख्य सचिव निरंजन आर्य को ज्ञापन सौंपा तथा मामले की जांच NIA से करवाने की मांग की। उन्होंने गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि मीणा निजी स्वार्थ के लिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में लगे हैं। इन्हें NSA के तहत गिरफ्तार करना चाहिए, वह धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मीणा खुद को हिंदू नहीं मानता उसका आरक्षण खत्म होना चाहिए। मूर्तियों को तोड़ने वाले समाज कंटक हैं, इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की ली बैठक। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने पंचायत समिति सभागार राजाखेड़ा में ली अधिकारियों की बैठक। वैक्सीनेशन अभियान, बावापू वृक्षारोपण अभियान, घर घर औषधि योजना सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। कोरोना काल के चलते पूर्व की तरह मंडी को शत प्रतिशत शहर से बाहर शिफ्ट कराने के दिए कड़े निर्देश। अवहेलना करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, SDM ब्रजेश कुमार मंगल, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेन सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 15 साल से फरार दो अलग अलग वारंटों में वांछित स्थायी वारंटी किया गिरफ्तार। सरमथरा की प्रमुख खबर। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार एवं धौलपुर जिले के आला पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में संपूर्ण जिले में वांछित अपराधियों का धरपकड़ अभियान जोरों से चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज सरमथरा थाना प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस फार्टी टीम का गठन किया गया, जिसमें लगभग 15 वर्षों से दो वारंटों में फरार स्थायी वारंटी जगदीश गुर्जर पुत्र सूबे गुर्जर निवासी बिजोलपुरा थाना सरमथरा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आजाद मंच भारत के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर जताया हर्ष। धौलपुर की प्रमुख खबर। आजाद मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा ठाकुर द्वारा मंच का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जसवंत सिंह डागुर को नियुक्त किए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष US राणा, राष्ट्रीय संयोजक आनंद मोहन मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती वीना भारद्वाज व मंच की राष्ट्रीय टीम का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजस्थान प्रदेश प्रभारी देशबंधु जोशी ने बताया कि जसवंत सिंह सन 2008 से अमीरों से आरक्षण, अपराध, भ्रष्टाचार, काले कानून के विरुद्ध हमारे साथ रहते हुए निरंतर संघर्ष करते रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव व सह प्रभारी राजस्थान अशोक शिकरवार ने बताया कि आजाद मंच भारत द्वारा 8 अगस्त मंडल कमीशन के विरोध में काला दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर करेंगे, मंडल कमीशन के लिए प्राण निछावर करने वाले युवाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शिकरवार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थाना ठाकुर के निर्देशन में संवर्ण आयोग गठन के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन देने के अधिकाधिक प्रयास किए जाएं। अनेकों राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन संवर्ण आयोग गठन के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, जिसके लिए सरकार पर दबाव बनना होगा। जसवंत सिंह को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति पर मंच के महिला प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट श्रीमती हंसा पांडे, पंडित त्रिलोक तिवारी, पप्पू भाई, कालूराम शर्मा, बैनी प्रसाद शर्मा, धौलपुर युवा जिला अध्यक्ष राजेश सिंह, सरनाम सिंह, राजकिशोर सिंह, भूदेव शर्मा, राजेश तेनगुरिया आदि सभी साथियों ने खुशी जाहिर की और बधाई व शुभकामनाएं दी। 14 वर्षों से दो वारंटों में फरार स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। बसेड़ी की प्रमुख खबर। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिले के आला अधिकारियों के निर्देशन में बसेड़ी थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ मुखबिर की सूचना पर लगभग 14 वर्षों से फरार चल रहे दो वारंटों में वांछित अपराधी थान सिंह उर्फ गुड्डू ठाकुर निवासी जारगा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वृक्षारोपण अभियान का जिला कलेक्टर ने किया शुभारंभ। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। बावापू वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरपुर रोड राजाखेड़ा में आयोजित किया गया। कॉलेज के आसपास एवं सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण करवाए जाने के दिए निर्देश। घर घर औषधि योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराए जाएंगे 8-8 पौधे। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, SDM ब्रजेश मंगल, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, कॉलेज प्राचार्य सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। नहर पर सार्वजनिक रास्ते को अधिकारियों की मिलीभगत से दबंगों ने किया बंद। बाड़ी की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के बाड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के नक्सौदा ग्राम पंचायत में नादरौली में स्थित तालाब, जिसे बीलाभर तालाब के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से नहर निकली हुई है जो ग्राम उमरे तक पहुंचती है। उस नहर पर दोनों साइड लोगों को निकलने के लिए पटरी थी, जिस पर लोगों ने अधिकारियों की मिलीभगत से नहर की पटरियों पर अतिक्रमण कर सार्वजनिक रास्ते को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर उमरे गाँव के व्यक्ति ने 2 साल पूर्व शिकायत की, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है।
कुछ शिकायत होने पर तहसील में भेजा गया तहसील द्वारा नहर का निरीक्षण करने वाले नादरौली पटवारी आए, लेकिन रास्ता बंद होने के बावजूद पटवारी द्वारा तहसील में बताया गया कि रास्ता दोनों साइड से खुला हुआ है, जबकि रास्ता दोनों साइड से बंद है। रास्ता खुला बताकर शिकायत को बंद कर दिया गया। अब शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को फिर से चालू करवाया है और जिला कलेक्टर से अपील की है कि इस शिकायत को संज्ञान में लेकर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बाड़ी से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सीबीईओ दामोदर मीणा ने किया विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण। धौलपुर से खास खबर। शाला दर्पण रैंकिंग उन्नयन एवं स्माइल 3 की धरातल पर क्रियान्विति के वास्तविक जानकारी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा द्वारा ब्लॉक धौलपुर के विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विपरपुर एवं राजकीय उच्च प्राथमिक कृपाकापुरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विपरपुर में स्माइल 3 संबंधी गतिविधियों का संचालन संतोषप्रद पाया गया तथा शाला दर्पण रैंकिंग उन्नयन हेतु संस्था प्रधान रमेश चंद को विद्यालय का 80G के तहत रजिस्ट्रेशन कराने व शत प्रतिशत विद्यार्थियों का बोर्ड क्विज 2021 हेतु रजिस्ट्रेशन के निर्देश प्रदान किए। संस्था प्रधान पिपरपुर को निर्देश दिया कि गांव से विद्यालय तक रास्ता निर्माण हेतु सरपंच ग्राम पंचायत पिपरपुर से संपर्क कर बैठक में प्रस्ताव पारित कराएं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कृपाकापुरा में ग्राम पंचायत द्वारा संचालित निर्माण कार्य एवं स्माइल 3 की व्यवहारिक स्थिति का जायजा लिया। संस्था प्रधान को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन निर्माण कार्य का अवलोकन कर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में ठेकेदार से भी वार्ता कर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने हेतु कहा गया। मीना ने संस्था प्रधानों को बापू कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने व किचन गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए। रैंकिंग उन्नयन हेतु निरंतर प्रयास किए जाएंगे। महाविद्यालय के बाउंड्री निर्माण की खुली पोल, बारिश के चलते बाउंड्री की दीवार धराशायी। राजाखेड़ा की खास खबर। एबीवीपी राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर धौलपुर को राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के नवीन भवन निर्माण की बारिश के कारण दीवार गिरने एवं कस्बा से महाविद्यालय तक का जो रास्ता है उसे सही रूप से न बनाने को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में एबीवीपी एसएसडी संयोजक राजन ठाकुर ने बताया कि कुछ दिन पहले नवीन महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ और अब पहली बारिश में महाविद्यालय की बाउंड्री की दीवार क्षतिग्रस्त होकर गिर पड़ी, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। एबीवीपी नगर मंत्री सत्यम गुप्ता एवं एबीवीपी जिला महाविद्यालय प्रमुख सुमेर सिंह जादव ने बताया कि यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमेर सिंह जादौन, नगर मंत्री सत्यम गुप्ता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इकाई अध्यक्ष लव ठाकुर, धर्मवीर राजपूत, हेमू रावत, नीतेश सोहेल खान, भूरा आकाश शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। सपूत ने देह दान कर बाड़ी शहर का बढ़ाया मान। बाड़ी से गौरवशाली दुखद खबर। अपने शहर के अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने वाले रमेश चंद मंगल पुत्र राम प्रसाद मंगल जी ने अपनी मौत के बाद देह दान का संकल्प लिया, जिसे उनकी मौत के बाद उनके सपुत्रों राजेंद्र अग्रवाल, सुनील मंगल एवं सतीश अग्रवाल ने पूरा किया। उनके पार्थिव शरीर को एलएन मेडिकल कॉलेज जेके हॉस्पिटल भोपाल को रिसर्च हेतु प्रदान कर दिया। अग्रवाल समाज बाड़ी के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने बताया कि बाड़ी के गौरव रमेश मंगल, जो विष्णु स्वरूप मंगल सराफ के बड़े भाई हैं, वर्तमान में भोपाल रहते हैं। स्व रमेश जी बहुत ही मिलनसार मधुर स्वभाव के व्यक्ति थे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले मंगल जी ने मृत्यु के बाद देह दान का कठिन संकल्प लिया और उसे पूरा भी किया। ऐसे ही सपूतों के लिए कहा गया है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेनी। उन्होंने अपने कुल का, अपनी माँ का नाम तथा बाड़ी नगरी का मान बढ़ाया है। ऐसे सपूत के स्वर्गवासी होने पर हम सभी श्रेष्ठ जन दिवंगत आत्मा को सदगति हेतु सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंघल, पूर्व चेयरमैन भगवती प्रसाद मित्तल, वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, एडवोकेट महामंत्री सतीश चंद अग्रवाल, श्रीनिवास मित्तल, विष्णु स्वरूप मंगल, जिला महामंत्री मनोज मोदी सहित अनेक अग्रवाल बंधु उपस्थित रहे। बीबीएन चैनल परिवार दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।